हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो आईएसएल यानी हीरो इंडियन सुपर लीग के मैच के बारे में। और ये मैच खेला जाएगा उड़ीसा एफसी और जमशेदपुर एफसी के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक वीक टीम है और कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है, इस टॉपिक पर हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट दी जाएंगी। आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए अब हम इन दोनों टीम की पहले पॉइंट टेबल, उसके बाद में दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस पर भी नज़र डालते हैं। ओके, तो अब हम पॉइंट टेबल की ओर देखते हैं। तो गाइस, उड़ीसा एफसी इंडियन सुपर लीग में फिलहाल के टाइम पर 6th पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें जमशेदपुर एफसी इस लीग में 10th पोजीशन पर है। मतलब उड़ीसा एफसी तो एक मिड टेबल टीम है और जमशेदपुर एफसी इस लीग की बॉटम टीम है। तो दोनों टीम में जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो मैं इस मैच में उड़ीसा एफसी को बैक करके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच उड़ीसा में ही खेला जाएगा तो होम टीम का एडवांटेज रहेगा। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा इस मैच को अच्छे से विन कर सकती है जमशेदपुर एफसी के सामने, जो कि जमशेदपुर एफसी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही फिलहाल के टाइम पर, ना ही अटैक से और ना ही डिफेंस है। तो मैं उड़ीसा को फेवर कर रहा हूँ। ओके, लेकिन हम बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलते हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस इन दोनों टीम की ओर से देखने को मिलता है। तो गाइस, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं और 2 मैच उड़ीसा एफसी ने विन करे हैं, 1 मैच ड्रॉ खेला गया इन दोनों टीम के बीच में और 3 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से 2.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब जब भी ये दोनों टीम आपस में खेलती है तो हाई चांस रहते हैं कि दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा गोल देखने को मिलते हैं। मतलब अटैकिंग परफॉर्मेंस भी दोनों टीम का काफ़ी अच्छा आता है और डिफेंस से भी दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल कंसीड कर देती है और बोथ टीम टू स्कोर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं। अब हम बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीम के बीच में खेला गया, उस मैच को उड़ीसा एफसी इसी टीम के सामने 3-2 से विन कर गई। 3 गोल किए लेकिन डिफेंस से 2 गोल कंसीड किए और वो मैच काफी हाई स्कोरिंग है। मतलब 5 गोल हुए दोनों टीम के साथ। और उससे पिछला मैच इन दोनों टीम के बीच में और खेला गया और उस मैच को भी इन दोनों टीम ने काफी अटैकिंग खेला। जमशेदपुर एफसी उस मैच को जरूर विन की 5-1 से, लेकिन उड़ीसा का भी 1 गोल आया था और उससे भी मुकाबला फिर जमशेदपुर एफसी 4-0 से विन की थी और उससे भी मुकाबला जमशेदपुर 1-0 से विन की थी। लेकिन उस टाइम पर जमशेदपुर एफसी के पास काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था रिसेंटली उस टाइम पर, लेकिन आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो इस तरह का रिजल्ट हम उम्मीद नहीं करते जमशेदपुर एफसी से। ओके, लेकिन उससे पिछले 2 मैच और खेले गए हैं और दोनों मैच में दोनों टीम ने बोथ टीम टू स्कोर किया। कहना का मतलब दोनों तरफ से गोल आए हैं। तो कहना का मतलब यह है कि हेड टू हेड में जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती हैं एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है, प्लस बोथ टीम टू स्कोर होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्लीन शीट का लफड़ा ही खत्म। ओके, अब हम बात करते हैं दोनों टीम का करंट फॉर्म किस प्रकार है। तो गाइस, उड़ीसा एफसी करंटली 6 मैच खेल चुकी है, 3 मैच विन किए, 2 मैच ड्रॉ खेले, 1 मैच लॉस किए। अटैक 2.2 है, डिफेंस 1.3 है। तो अटैक भी काफ़ी मजबूत है और डिफेंस से भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है, लेकिन अधिकतर मैचेस या तो विन करते या ड्रॉ खेलते लेकिन लॉस नहीं करती। अब हम बात करें जो पिछला मैच उड़ीसा एफसी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के सामने 3-1 से मैच को विन कर गा रही, 3 गोल किए, एक गोल डिफेंस से कंसीड किया और उससे पिछले 2 मैच और खेले और काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच खेला और दोनों मैच इस टीम ने वन साइडेड विन किए लेकिन डिफेंस से एक एक गोल कंसीड किया। अब आप देख सकते हो पिछले 3 मैच में इस टीम की ओर से 10 गोल आए हैं और डिफेंस से 3 ही गोल कंसीड किए गए हैं। तो इस टीम का अटैकिंग परफॉर्मेंस रिसेंटली कितना मजबूत है। और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेले, दोनों मैच में गोल किए भी लेकिन बराबर से गोल कंसीड किए और एक मैच एटीके मोहन बगान के सामने ये टीम हार जरूर गई थी, लेकिन एटीके मोहन बगान अपना होम में अच्छा खेल ली थी तो उसके सामने तो इस तरह का रिजल्ट सही रहेगा इसके लिए। तो कहने का मतलब ये कि उड़ीसा एफसी का रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है अटैक को लेकर, डिफेंस कहीं ना कहीं गोल कंसीड फिर भी कर ही देता है लेकिन मैच को अधिकतर उड़ीसा एफसी विन कर लेती है। ओके, अब हम बात करते हैं जमशेदपुर एफसी का करंट फॉर्म के बारे में। तो गई, जमशेदपुर करंटली 6 मैच खेली है, 3 मैच विन की है, 1 मैच ड्रॉ खेले, 2 मैच इस टीम ने भी लॉस किए। अटैक 1-3 है, डिफेंस भी 1-3 है। तो फिलहाल टाइम पर इस टीम का करंट फॉर्म 50-50 नज़र आता है, अटैक से भी डिफेंस से भी और विन से लेकर लॉस और ड्रॉ तक। अब हम बात करें जो पिछला मैच जमशेदपुर एफसी हैदराबाद एफसी के सामने 3-2 से मैच को विन कर गई, 3 गोल किए लेकिन डिफेंस से 2 गोल कंसीड किए और काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच खेला। अब देखने को मिल रहा होगा आपको जैसे जैसे आईएसएल का एंड होता जा रहा, मतलब
सीजन जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है वैसे ही आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल रहे होंगे। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, हमें फैंटेसिक टीम बनाने के लिए हाई स्कोरिंग मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फिर उसमें क्लीन शीट का लफड़ा ही खत्म होता है, जो 20 क्लीन शीट के पॉइंट मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं चांसेस उस मैच में हाई चांस रहते हैं जीतने के, जिसमें दोनों तरफ गोल हो जाए। और एक मैच जमशेदपुर ने एटिक मोहन बगान के सामने डिफेंसिव ड्रॉ खेला, फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के सामने टीम 2-0 से विन किए, और उससे पहले दो मैच इस टीम ने लॉस किए, और एक मैच ईस्ट बंगाल के सामने भी टीम 2-1 से विन किए। तो करंट फॉर्म अगर इस टीम का भी देखा जाए तो अटैक तो अच्छा है, लेकिन डिफेंस इस टीम का भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है, लेकिन दो मैच इस टीम ने हारे हैं और दोनों मैच बेंगलुरु और एक सिटी के सामने हारा, और दोनों काफ़ी अच्छी टीम है, अटैक भी और है उनके पास, डिफेंस भी सही है। तो कहीं ना कहीं आज भी आपको जमशेदपुर एफसी अटैकिंग परफॉर्मेंस अच्छा करती नज़र आ सकती है, लेकिन डिफेंस कहीं ना कहीं गोल आज भी कंसीड करेगी। तो फाइनली गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कि तीनों फॉर्मेट में दोनों टीम का किसका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, तो पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग उड़ीसा एफसी इस लीग में फिलहाल के टाइम पर पोजीशन पर सही है और जमशेदपुर एफसी इस लीग की बॉटम टीम है। ओके, हेड टू हेड में देखा गया कि उड़ीसा एफसी ने रिसेंटली हेड टू हेड मैच इस टीम के सामने विन किया है, लेकिन उससे पिछले मैच लॉस किए भी हैं, लेकिन दोनों टीम का जो रिजल्ट आया हैड टू हेड में वो बराबर से देखने को मिला है। दोनों टीम ने दो दो तीन तीन मैच विन किए, एक मैच ड्रॉ खेला। ओके, रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो उड़ीसा एफसी या तो मैच को रिसेंटली विन करती है या ड्रॉ खेलती है, लेकिन लॉस नहीं करती, अटैक भी अच्छा है और डिफेंस गोल कंसीड कर देती है। और आपको जमशेदपुर एफसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि अटैकिंग तो परफॉर्मेंस अच्छा कर लेती है, लेकिन डिफेंस इस टीम का भी गोल कंसीड कर देता है, लेकिन विन और ड्रॉ का इसका भी 50-50 देखने को मिला है। तो तीनों फॉर्मेट में आपको एक स्लाइटली फेवरेट टीम उड़ीसा एफसी देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं उड़ीसा एफसी को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब इस मैच में कितने गोल हो जाने चाहिए और इस मैच को कौन सी टीम विन करनी चाहिए। तो मेरा मानना दोस्त ये है, एक हाई स्कोरिंग मैच जाएगा जैसे इनके बीच में पहले से होते आ रहे हैं मैच। ओके, तो मुझे लगता है कि कम से कम उड़ीसा एफसी इस मैच में 3 गोल कर देगी और शायद जमशेदपुर एफसी भी इस मैच में 2 गोल करती नज़र आए। तो मेरा प्रेडिक्शन है इस मैच में बोथ टीम टू स्कोर 3-2 3-2 का आधार पर ही हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करेंगे, ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीम के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितने असिस्ट किए, क्योंकि अभी तक हमने जो वीडियो में बात की है कि इस मैच को कौन सी टीम विन करेगी और कितना गोल इस मैच में हो जाएंगे, लेकिन वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो हमें अपनी टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को ग्रांडलिंग में लेना है और किस प्लेयर को समोलिंग में लेना, वो सारी जानकारी अब आपके लिए आगे चलकर कंप्लीट दी जाएगी प्लेयर वाइज, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना। और हाँ दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हो ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए फुटबॉल में इस चैनल पर कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हो। बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो चलिए हम नज़र डालते हैं सबसे पहले उड़ीसा एफसी के प्लेयर्स पर, फिर नज़र डालते हैं जमशेदपुर एफसी के प्लेयर्स पर कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो देखते हैं उड़ीसा की ओर। तो गाइस उड़ीसा की तरफ से इस सीजन में हाइएस्ट गोल टेकर डियागो मोरिसियो, इस टीम के लिए इसने 12 गोल किए हैं, 3 गोल इसने पेनल्टी में निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये टॉप क्लास प्लेयर है और आज के मैच में आप इन्हें आराम से कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। नंद कुमार शेखर हैं जो कि इस टीम की तरफ सेकंड हाइस्ट गोल टेकर है, और इन्हें भी आप अपनी टीम में लेकर चलना, क्योंकि ये असिस्ट भी प्रोवाइड कर देता है, तो हमें अपनी टीम में लेना, प्लस डिफेंसिव वर्क भी कर सकता है और एक हाई स्कोरिंग मैच में ऐसे प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ओके, फिर यहाँ से जेरी है जो कि इस टीम के लिए 3 गोल कर चुका है, पेड्रो मार्टिन है 3 गोल कर चुका है, इशाक है जिसने 2 गोल स्कोर किए, विक्टर रोड्रिग्यूज है 1 गोल कर चुका है, इशाक है जिसने 1 गोल स्कोर किया। तो इसी प्रकार आप हर एक प्लेयर्स का डाटा को आराम से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 प्लेयर्स मैं जरूर सजेस्ट करूँगा आपकी टीम में, बाकी जो प्लेयर्स रहेंगे वो लाइनअप के बाद पोजीशन को देखते हो कि कौन सा प्लेयर 90 मिनट कंप्लीट खेलेगा और कौन सा ऐसा प्लेयर जो बिना गोल के पॉइंट भी दे जाएगा, उसके हिसाब से आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर कन्फर्म भी बता दिया जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं वो कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, क्योंकि असिस्ट का ड्रीम इलेवन पर 20 पॉइंट मिलते हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो असिस्ट में अगर देखा जाए ना, तो यहाँ से मोरिसियो इस टीम के लिए 4 असिस्ट निकाल चुका, फर्नांडीज का 3 असिस्ट आए, जेरी का 2 असिस्ट आए, इसाक का भी 2 असिस्ट आए, और यहाँ से क्रेस्पो अगर खेलता है तो मैं इनको जरूर लेकर चलूँगा, बाकी यहाँ शेखर का भी 1 असिस्ट है, बाकी और प्लेयर्स हैं उनका आपके सामने 1 असिस्ट, आप उनका स्क्रीन शॉट ले सकते हो इजीली। ओके, तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितने असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं हम जमशेदपुर एफसी के प्लेयर्स पर भी। तो भाई जमशेदपुर एफसी की तरफ से इस सीजन में हाइएस्ट गोल टेकर रिटविक कुमार दास, जिसने इस टीम के लिए 5 गोल किए हैं, फिर यहाँ से चिमो चुकवू है
जो कि बहुत बेहतर प्लेयर है। इस सीज़न में इतने परफॉर्मेंस इसने नहीं दिया, बल्कि ये एक बेहतर है और अच्छा कर सकता है आज के मैच में। आप इन्हें वाइस कैप्टन बना सकते हैं, एज ए सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा। ओके, फिर यहाँ से ईशान पंडिता है, मैं ज़्यादा इसको पर भरोसा करता नहीं हूँ, लेकिन जेरी है कहीं ना कहीं, मतलब जय थॉमस, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्लस ये इस टीम तरफ से 2 गोल पेनल्टी में कर चुका, और पेनल्टी अगर मिलेगी तो ऑब्वियसली यार आज भी यही पेनल्टी लेगा। बाकी यहाँ पर पीटर हार्टली है, और यहाँ से हैरिसन, जो कि मैं काफ़ी सजेस्ट करता हूँ बिना गोल के पॉइंट दे जाता है, तो हैरिसन आपकी टीम में की प्लेयर्स के रूप में रहना चाहिए। ओके, तो हमारी टीम में देखो यहाँ से रिटविक चीमा, और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन हैरिसन, बाकी को लाइनअप के हिसाब से देखा जाएगा। थॉमस को भी लेकर चलेंगे अभी के लिए। अब हम बात करते हैं वो कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो चलिए हम नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो असिस्ट में देखा जाए तो हैरिसन है जिसने इस टीम के लिए गोल असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूशन किया, तो इसलिए ड्रॉप तो नहीं कर सकते। फिर यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन लारा है जिसने 2 असिस्ट निकाले हैं, चीमा चुगू 1 असिस्ट निकाला है, बोरिस का 1 असिस्ट है, बाकी का आपके सामने रिकॉर्ड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अब हम इस मैच का जो स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखा हुआ है, वैसे तो काफ़ी हाई स्कोरिंग रखा मैंने 3-2, लेकिन आप ये मत सोचना कि 3-2 ही हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हाई स्कोरिंग होगा। ये भी हो सकता है कि इस मैच को 2-1 से उड़ीसा एफसी विन कर सकती है, लेकिन जितनी प्रेडिक्शन की उसके हिसाब से आई थिंक ये बेस्ट है, इसलिए मैंने दिया है। तो इसी प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहती है इस मैच में हमारी ड्रीम इलेवन टीम, तो चलिए नज़र डालते हैं ड्रीम इलेवन टीम पर, और इस वीडियो को सेकंड बेस्ट पार्ट पर, जहां पर मैं आपके लिए हर एक प्लेयर्स के बारे में ईच एंड एवरी प्लेयर्स का मतलब स्टेट्स तो नहीं, बल्कि बताऊंगा कि किस प्लेयर को आपको लेकर चलना है। तो चलिए देखते हैं टीम। और दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन भी ऑन करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम बात करें गोल कीपिंग सेक्शन से। उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, मैं इस मैच में उड़ीसा को फेवर कर गया हूं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम मान चला हूं, तो मैक्सिमम 6 या 7 प्लेयर इस टीम तरफ से लेके चलेंगे, लेकिन हमें इस मैच में बैलेंस टीम बनानी, क्योंकि दोनों टीमें बराबर सी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक हाई स्कोर मैच देखने मिलेगा। तो उस कंडीशन में हमें 11 प्लेयर्स को जो लेना है वो कौन कौन से रहेंगे, किस प्लेयर को ग्रैंड लीग कैप्टन, किसको वाइस कैप्टन, ये सारी जानकारी कंप्लीट देंगे। गोल कीपिंग सेक्शन में आपके सामने अमरिंदर सिंह और यहाँ से टीपी रहने हैं, दोनों एज ए गोल कीपरिंग करते नजर आएंगे, जिसको चाहे आप पिक कर सकते हो, लेकिन मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि आप जमशेदपुर एफसी के गोल कीपर को पिक करें। ओके, क्योंकि ये लॉजिकली सही है। अब हम बात करते हैं यहाँ से डिफेंडिंग सेक्शन से, तो हमारे पास जो डिफेंडिंग सेक्शन बेस्ट ऑप्शन है जेवियर रहेगा, क्योंकि जेवियर एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, हेडर से भी आ सकता है इसका पॉइंट, तो इसलिए उड़ीसा की तरफ से ये बेस्ट रहेगा। आप चाहे तो यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन रैन थैली को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ साहिल पनवार को पिक करूँगा अगर खेलेगा तो, क्योंकि ये मुझे सही लगता है, तो इसलिए आई थिंक मेरी टीम में साहिल पवार भी रहेगा। अगर गहलोत खेलता है तो पॉइंट नहीं, बल्कि पॉइंट देखकर टीम मत बनाओ कभी, आप प्लेयर्स को देखकर टीम बनाओ, तो यहाँ से गहलोत भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन प्रतीक चौधरी, एरिक शार भी आप ग्रांड लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सेंटर बैक कभी कभी गोल आ जाता है। ओशम मलिक मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, वैसे तो एलीग तक खेल चुका, काफ़ी बड़ा प्लेयर्स है, अच्छा कर सकता है। पीटर हार्टली ग्रांड लीग में ट्राई करना है, बाकी यहाँ पर शारंगी है, और बाकी जो ऑप्शन बचते हैं इनमें से मैं किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में ना ही तो लेकर चला हूं और ना ही आपके लिए सजेस्ट कर गया हूं। ओके, तो यहां पर कोई बेस्ट है नहीं है, तो जो बेस्ट है उनको अभी के लिए हम पिक कर लिया है। बात करें मिड में, तो हमारी पहली चॉइस शेखर रहनी चाहिए, क्योंकि इस टीम के लिए 5 गोल कर चुका है, 1 असिस्ट निकाल चुका है, तो कहीं ना कहीं रोल इसका आया है टीम में। ऋत्विक कुमार जिसका गोल असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूशन आया है। फिर यहाँ से करिस्पो है, इनको भी लेकर चलेंगे। आप यहाँ से थैंग जम को ले सकते हैं, लेकिन मैंने राइनर फर्नांडी जो कि असिस्ट निकाल चुका है, इसाक का गोल आया है, सेकंड इसाक का भी गोल आया हुआ है, आप ले सकते हो। लेकिन मैं जो यहाँ से पिक करने वाला हूँ वो काफ़ी नीचे, शायद उसका सिलेक्शन तो शायद यहाँ पर नहीं है। चलो अभी के लिए यहाँ से जो हम पिक करके चलते हैं, फिर तो फर्नांडीज को ही पिक करते हैं, क्योंकि इसका असिस्ट तो आए कम से कम, तो असिस्ट वाले प्लेयर्स पॉइंट दे ही जाते हैं, बॉल से इंटरसेप्शन टैकल का भी आ जाता है अगर पॉइंट नहीं आता तो। ओके, तो बात करें सेंटर फॉरवर्ड सेक्शन, आपके पास पहली चॉइस मोरिसियो चीमा, ये दोनों ऑब्वियसली एक बेहतर चॉइस है, इनमें से तो हम किसी को सजे मतलब ड्रॉप नहीं कर सकते। अब यहाँ से हमें एस्टन ईमा और यहाँ से हैरिसन शायर, ये दो में से एक को लेना है। अब जिसको चाहे आप पिक कर सकते, ईशान पंडित भी है, लेकिन जोश मार्टिन भी है, लेकिन इनका खेलने का चांस लेस है। देखो दो प्लेयर्स ये तो कन्फर्म खेलेंगे, अब हमें मैं अपनी टीम में जो अभी के लिए पिक कर चला हूँ ना, वो हैरिसन है। आप चाहे तो यहाँ से एंडसन मतलब एस्टन को रख सकते हो, जिसने इस टीम के लिए 2 गोल किए, लेकिन 2 के 2 गोल वो किए हैं पेनल्टी में, तो आप इन्हें ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं शाहिर को पिक करता हूँ। तो ये टीम का प्रीव है मेरा, लेकिन याद रहे ये टीम फाइनल नहीं है, क्योंकि ये टीम सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम है। फाइनल टीम लाइनअप आने के बाद प्लेयर की पोजिशन को देखते हैं कि कौन सा प्लेयर किस पोजिशन पर खेलेगा, क्या वो 90 मिनट कम्प्लीट खेलेगा भी, क्या वो बिना गोल के पॉइंट दे भी जाएगा, उसके हिसाब से फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर जाएगी। कैप्टनसी की बात की जाए ना, तो यहाँ से डियागो मोरिसियो इस टीम का कैप्टन रहे, और वाइस कैप्टन से अगर बात की जाए ना, तो मैं वीकली शायद
साहिर या अपनी टीम में बना के चलाऊँ क्रिस्पो, इन दो में से किसी एक को दूंगा शायद, लेकिन अभी के लिए फाइनल नहीं वाइस कैप्टन, क्योंकि लाइनअप के बाद क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय। और दोस्त इतना मुझे पता है, अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप खुद से बेहतर टीम बना सकते हो वीडियो के जरिए। तो इसके लिए ठोक दो लाइक। थैंक यू।